हेलो गाइस, वेलकम टू ओशन ऑफ ज्ञान। दोस्तों, वेक्टर एनालिसिस के लेसन 13 में मैंने आपको बताया था रिमार्क। अब यहाँ पे चलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसा कि आप जानते होंगे कि यहाँ पे स्केलर ट्रिपल है, यानी कि तीन वेक्टर का यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। तो वेक्टर ए जो जिस तरह से हम जनरली लेते हैं, यहाँ पे वेक्टर बी ले लिए और फिर यहाँ पे जो सेंटर में है उसको हम वेक्टर सी मान लिए। ओके, यहाँ पे इन तीनों पे ये एन कैप जो है वो एक परपेंडिकुलर है, जैसा कि आप जानते हो। अब मैंने यहाँ पे क्यूब जैसा कुछ बना लिया है जिसको हम लोग पैरेललोपिपेड भी बोलते हैं, और यहाँ पे मैंने इसका एफ जी ई एच और यहाँ पे मैं डी साइन कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन सा क्या है, और यहाँ पे मैं बी साइन कर देता हूँ और यहाँ पे सी साइन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ पहले ताकि सही आपको लगे, ढंग से समझ में आए। ओके, अब यहाँ देखो डी से एक लंब जाएगा यहाँ पे ए बी पे, ठीक है, यानी कि सेंटर पे। तो इसको हम एल मान लेते हैं और इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ओके, अब यहाँ से फिर एफ से भी एक लंब आएगा, यानी कि एक परपेंडिकुलर होगा जो कि ए बी पे होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। ओके, तो इसको मैं एम मान लेता हूँ। चलो अब आगे देखते, ये जो एंगल है इसको हम थीटा मानेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो एंगल है, यानी कि वेक्टर ए से वेक्टर जो बी का है वो एंगल जो है वो बीटा लेंगे, ठीक है। और फिर ये जो है एफ का जो एक एंगल बनता है उसको हम फाई लेंगे। ओके, अब ये मूल बिंदु है, इसको भी मैं ए से डिनोट कर दिया हूँ। अब यहाँ देखो ये जो एंगल है ये फाई है, ठीक है, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आप जानते हो तो ये भी एंगल क्या होगा, फाई होगा। अब ट्रायंगल चूज़ करते हैं, इन ट्रायंगल डी एल ए, यानी कि डी एल और ए, यानी कि इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। और इसमें हम लोग जैसा कि जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है पी वाई एच, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे ट्रायंगल डी एल ए यानी कि डी एल ए में हाइपोटेनस हो गया ए और डी, ओके, और परपेंडिकुलर हो गया डी और एल। तो ये परपेंडिकुलर हमारा हो गया इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा डी एल बाय और एच, यानी कि हाइपोटेनस हो जाएगा ए डी। अब यहाँ पे डी एल को हम इसी तरह से लिखेंगे डी एल, और हमारा जो ए डी है वो ए डी एक वेक्टर है, यानी कि ये एक वेक्टर है तो वेक्टर सी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। मीन्स हमारे जो फाइनली हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू डी एल बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। अब यहाँ पे हम डी एल बराबर लिखेंगे मैग्नीट्यूड वेक्टर सी इंटू साइन थीटा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकेंड ट्रायंगल पे चलते हैं, यहाँ पे लेते हैं एफ एम ए, यानी कि इस ट्रायंगल को लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एम ए। ओके, अब यहाँ पे देखना क्या होगा, यहाँ पे हम इस एंगल को लेकर चलेंगे, ओके, फाई एंगल, यानी कि इस पे चलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस फाई इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस है एफ और एम, ओके, और हाइपोटेनस है ए और एफ, तो यहाँ पे लिखते हैं एफ एम और जो हाइपोटेनस है वो ए एफ है। एफ एम को उसी तरह से लिखेंगे ए एफ, जो हमारा जो ए वेक्टर है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे जो फाइनल होगा रिजल्ट कॉस फाई इज इक्वल टू एफ एम बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब इसको हम निकालेंगे एफ एम बराबर क्या होगा, तो एफ एम बराबर हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस फाई। इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब चलो ये चीज़ हम क्यों निकालें ये देखते हैं। तो आओ डिफिनेशन में, डिफिनेशन क्या कर रहा है, तो लिखेंगे नाउ बाय डिफिनेशन, हम जानते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा उसका डिफिनेशन होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ओके, ये पता है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे वेक्टर ए डॉट ये चीज जो है
वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्या होगा, इसका डिफिनेशन। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब मैं बता रहा था क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसमें मैंने डिफिनेशन बताया था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, बताया था ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखना है, बस यहाँ पे ए बी की जगह पर बी सी है, तो उसी तरह से लिख देना। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा एंड कैप। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट इसको जो है वेक्टर बी को अलग लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में कर देंगे, वेक्टर सी साइन थीटा और एन कैप को भी अलग कर देंगे, यानी कि ये चीज हमको अलग करना है। बात सेम ही हुआ, मतलब कि हम सिर्फ अलग कर दिए जबकि ये मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पे देखो हम इसलिए किए ताकि हम इसका वैल्यू पुट कर सके। कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ पे देखो वेक्टर ए डॉट, अब यहाँ पे देखो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है वो मैंने कहाँ से लिखा, वो चीज यहाँ है, ये जो वेक्टर बी है तो कहाँ से लिखे, ए और बी, ए और बी को यही माने थे ना वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड निकाले थे, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का ये इक्वल में आ जाएगा ए और बी। और वैसे भी यहाँ पर भी देख सकते हो जिस तरह से मैंने ए और एफ का, यानी कि ए और एफ का जो वेक्टर ए था इसका मैग्नीट्यूड लिखे थे वेक्टर ए, उसी तरह से यहाँ पे वेक्टर बी का भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे ए और बी लिखेंगे। ठीक, तो खैर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ये चीज जब आया, ये चीज वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये चीज मैंने इक्वेशन फर्स्ट में माना है किसका, किसके बराबर है, डीएल के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा DL और एन कैप। ओके, कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब चलो, अब फिर देखो यहाँ पे AB को हम अलग करेंगे, है ना, DL को भी अलग करेंगे, और ये जो है वेक्टर ए डॉट ये यूनिट वेक्टर है, ये भी वेक्टर ही है, इसको हम करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये ए बी का ए बी हो जाएगा डीएल। अब यहाँ पे देखो ये दोनों वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, लेकिन ये दोनों वेक्टर है, तो इसका क्या होता है, आप लोग डॉट प्रोडक्ट याद करना। डॉट प्रोडक्ट में क्या था, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा था ना, बस उसी तरह से यहाँ पे लिखना है। बट यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा अलग होगा कि ये जो है यानी कि वेक्टर ए और एन कैप, यानी कि वेक्टर ए ये हुआ और एन कैप ये हुआ एन कैप, यानी कि इसके दोनों के बीच का जो एंगल है वो फाई होगा, क्योंकि हम यहाँ पे फाई माने हैं, थीटा नहीं माने, फाई माने हैं, तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे कॉस फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन कैप जो कि यूनिट वेक्टर है, कॉस फाई। ओके, अब देखो ए बी हो जाएगा, डी एल भी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बचा वेक्टर ए, और यहाँ पे ए बी डी एल लिख दिए। अब यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाले हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और फिर कॉस फाइव यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके, अब यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट जो आया यहाँ पे वो चीज लिख देते हैं, ए बी डी एल और फिर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कॉस फाइव। ओके, अब इस चीज को ध्यान से देखना, ये जो है ये रहा, यानी कि इक्वेशन सेकंड में जो हम लोग माने थे एफ एम के बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस फाई, ये है, तो यहाँ पे यानी कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस फाई जो है वो एफ एम के बराबर हो जाएगा। अरे कुत्ता भौंक रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी डी एल और एफ एम लिख सकते हैं। तो ये चीज कहाँ से आया, ये एफ एम का जो वैल्यू मैंने लिखा ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। ओके, अब ये चीज जो आया, ये चीज एक है पैरेललोपिपेड, है ना, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, पी ए आर ए डबल एल ई एल ओ, यानी कि पैरेललोपिपेड, और पीपेड हो जाएगा पी आई पी डी, मैंने फास्ट में लिखा तो इसलिए ऐसा हो गया। तो अब इसके जस्ट नीचे लिखना है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, जस्ट नीचे एक क्लियरेशन लिखना है कि एक्चुअल में इन सब का क्या मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके, तो इसके नीचे लिखना है दस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो कि ये है ज्योमेट्रिकली गिव द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपिपेड हूज कंकरेंट ईड इज वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट। अगर आपको बोले कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड हूज कंकरेंट इड इज आर जो कि वेक्टर ए है 2i plus 3j plus 3k, vector v है minus i plus j plus 2k and vector c है 2i minus
जे प्लस के। तो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड हो जाएगा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। जिस तरह से हम निकालते हैं उसी तरह से निकालेंगे। यहाँ पे क्या है 2 3 3 2 3 3, फिर बी का हो जाएगा -1 1 2, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, -1 1 और 2, फिर यहाँ पे 2 -1 1 2 -1 and 1। ओके, अब इसको निकालना है डिटर्मिनेंट से, दो का कॉमन लिए इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3, फिर इसका इसका -1, फिर -2, फिर +3, और फिर ये हाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, फिर -2। इसको सॉल्व करना है 3 -3 -3 प्लस, यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा -9, और फिर ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 6 -12, और फाइनल हो जाएगा -6। और आपको पता है कि एरिया जो है कभी भी निगेटिव में नहीं रहता, तो ये इसका आंसर आया। यहाँ पे नोट में लिख सकते हो एरिया इज़ नॉट निगेटिव। और यहाँ पे एक चीज़ और, ये जो आएगा ये हमेशा आएगा क्यूबिक यूनिट में, यानी कि क्यूबिक यूनिट, तो ये चीज़ देना नहीं बोलना है। ओके गाइस, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा थ्योरम पे, एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो वो मिस मत करना। और फिर बताएंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।